ਨੰਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ PSPCL ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਦਲੀ ਤੈਨਾਤੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। सख्ती लगातार हुन वख-वख विभागों वालों वरती जा रही है। पटियाला विच PSPCL दा मुख दफ्तर आम लोकां लई बंद कीता गया है। बदली तैनाती तरक्की लई आउण वाले मुलाजमां दी एंट्री भी बैन कीती गई है। दफ्तरी काम लई आउण वाले मुलाजमां नूं ही एंट्री मिलेगी। खबर ते होर जानकारी दे नाल पटियाला तों मेरे सहयोगी गगनदीप आहूजा बन गए ने। तां गगनदीप, जो हालात बने होए ने, कि अहम फैसला PSPCL वालों लिया गया ते PSPCL वालों आम लोकां लई दफ्तर बंद किया गया, मौजूदा हालात नूं देखते हुए। हाँ जी बिल्कुल स्वाति, कोरोना दा जिहड़ा प्रकोप है वधदा ही जा रहा, जिथे मिनी सकत्तरेत कल बंद किया गया सी, अज PSPCL नूं पावरकॉम दे मुख दफ्तर नूं उते बंद कर दिता गया। और जिहड़े दफ्तरी काम लई आउंदे ने सिर्फ मुलाजम, उन्हां नूं एंट्री मिलेगी। लोकी जिहड़े बाहरों आउंदे ने उन्हां दा दाखला बिल्कुल बंद करता है। गेट सवेर तों ही बंद ने, उस तों बाद किसी नूं एंट्री नहीं दित्ती गई। असीं जदों उत्थे विजिट किया तां कुछ लोग बाहरों आए हुए सीगे, जिन्होंने अपने कोई लाइनमैन है, उन्होंने अपॉइंटमेंट लैटर लेनी सी जां कोई मैडिकल करवाउणा सी, उस करके आए सी। उन्होंने वापस मुड़ना पिया, निराश होना पिया, क्योंकि एकदम ही ऑर्डर पावरकॉम वालों किए गए ने, जिहदे करके लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पै रहा। अनअनाउंस इन्हों वालों कर दिता गया और बीती रात ही ऑर्डर जारी किए गए। पर दूजे पास स्वाति देखा जाए, जो फील्ड ऑफिस है, जिमें सब डिविजनल ऑफिस है या एक्सचेंज ऑफिस है, उत्थे भी लोगों का आना जाना काफ़ी हैगा। और काफ़ी ऑफिशल भी साड़ी गलबात हुई है, उन्होंने यह भी मांग की है भी उत्थे भी जी एंट्री है रिस्ट्रिक्ट की जाए, तो कोरोना वायरस को फैलने तो रोकया जा सके। और पावरकॉम भी काफ़ी सख्त हो गया इस मामले, क्योंकि मुख दफ्तर में बिना मास्क, बिना आई कार्ड के या बिना भी कोई भी इन्होंने जोड़े गाइडलाइन है, जो कोई अडोप्ट नहीं करेगा तो वो एंट्री नहीं दी जाएगी। जी बिल्कुल गगनदीप, जो हालात बने हुए ने, वख-वख विभागों वालों कई अहम फैसले लए जा रहे ने, लोगों ते मुलाजमान की सुरक्षा नूं मद्देनजर रखते हुए। धन्यवाद तमाम गलबात लई।